是是是。<noise> गुड मॉर्निंग एवरी वन आई वेट एंड स्टेल अठारह दिसंबर का दिन है एक नए हफ्ते की शुरुआत है मंडे है आज एंड मैं एक बार फिर से आपकी डेली डोज ऑफ करंटफेयर लेकर हाजिर हूँ आप चाहे इसको एनडीए चैनल पर देख रहे हैं या फिर सी डी एस चैनल पर देख रहे हैं एम बाइब अचीव डिफेंस में आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से मैं ये रिमाइंड करवाना चाहूंगा कि डेली डोज ऑफ करंट फेयर क्या करती है आपको एक पर्टिकुलर जो न्यूज आइटम है उसके इर्द गिर्द जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनका पता चलता है उनका आभास होता है और उससे एक ठीक ठाक लेवल की जो क्लैरिटी है वो आपकी फॉर्म हो जाती है एक्चुअली इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो हैविंग सेड दैट सबसे पहले देख लेते हैं आज की क्या हेडलाइंस है नीति आयोग ने रिलीज किया है फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम क्या है ये किस मायने में है ये किस चीज से रिलेटेड है उसकी बात करेंगे याक डोमेस्टिकेशन का जो तिब्बत में एक प्रूफ मिला है वो क्या है वो हम बात करेंगे फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट इसकी मैंने पहले भी बात की थी एक बार आज डिटेल में इसकी बात करने वाले है। रिपोर्ट क्या कहती है? किया उसको? इसके बारे में बात करेंगे ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट नेचर एंड क्लाइमेट क्या है न्यू एरोड्रोम लाइसेंस जो अयोध्या एयरपोर्ट को मिला है वो मैं आपको जस्ट मैं न्यू डेली डिक्लेरेशन क्या है और ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी क्या कहती है क्या डायमेंशन है इसकी वो सारी हम लोग इस छोटे से, से सेशन में बात करने वाले हैं बहुत इंपॉर्टेंट है ये सेशन 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 सो सो मेक श्योर आप एंड तक बने रहे डू शेयर द विद फ्रेंड्स दैट दे कैन टेक फुल एडवांटेज ऑफ दिस इस सेशन में मैं कुछ क्वेश्चंस भी पूछूंगा जो मैं एक्सपेक्ट करता हूं आप कमेंट करके बताएंगे जिसको कि आगे आने वाले सेशंस में मैं जरूर यहां पे दिखाऊंगा शोकेस करूंगा आपकी जो भी कमेंट्स है तो शुरुआत कर लेते हैं सबसे पहले नीति आयोग से नीति आयोग हैज रिलीज फर्स्ट डेल्टा रैंकिंग प्रोग्राम जो एस्पिरेशन डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसकी डेल्टा रैंकिंग निकाली तो पहले तो आप यह याद रखें कि यह किसने रिलीज किया क्योंकि क्वेश्चन आपको किसी प्रकार से आ सकता है कई बार ऐसे क्वेश्चन आता है कि डेल्टा रैंकिंग ऑफ एस्पिरेशनल ब्लॉक प्रोग्राम किसने रिलीज किया तो ऑफ कोर्स दैट इज नीति आयोग ठीक है जी एंड आपको मैं बताना चाहूंगा कि सबसे इंपॉर्टेंट क्या है यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट यही है कि जो त्रियाणी ब्लॉक है तेलंगाना में उसको फर्स्ट प्लेस मिली है तो त्रियाणी ब्लॉक इज ऑन द फर्स्ट कोशामी ब्लॉक सेकेंड वन तो फर्स्ट और सेकेंड दोनों आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन किसी भी प्रकार से पूछ लेगा सी शुड है कि किसको फर्स्ट और किसको सेकेंड रैंक मिला एस्पिरेशन मतलब कि किस तरह से एस्पायर करना है बेटर होने का उसी कंटेक्स में हम लोग यहाँ पे बात करते हैं मैं आपको बताना चाहूंगा कि इनकेस यू डोंट नो एस्परेशनल ब्लॉक प्रोग्राम जो है अल्टीमेटली इट इज़ बिल्ट ऑन वॉट एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम पहले एस्पेशल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता था इन्होंने एस्परेशल ब्लॉक प्रोग्राम भी निकाला है एंड वॉज लॉन्च में नीति आयोग इन जनवरी 2023 इसी साल जनवरी में इसको रिलीज किया गया था इट इन्हांसेज गवर्नेंस एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ इन चैलेंजिंग एंड रिलेटिवली अंडर डेवलप जो ब्लॉक्स है वहां पर जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करने का दमखम रखता है तो वो तो एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम में भी यही था जो एस्परेशन डिस्ट्रिक्ट थी जो थोड़ी सी डेवलप रह गई थी उसको कैसे हम डेवलप करें उसी के ऊपर सारा फोकस रहता था एंड वही इनका मेन आइडिया होता था हैविंग सेट दैट थीम्स क्या है थीम्स बहुत बेसिक है जैसे हेल्थ है एजुकेशन है एग्रीकल्चर को इम्प्रूव करना है देन यू गॉट बेसिक इंफ्रा सोशल डेवलपमेंट ये सारी जो चीज़ें हैं ये बेसिकल थीम्स हैं देखो आप कहीं पर भी देखोगे डेवलपमेंट की थीम आएगी तो यही थीम्स आती हैं इन जनरल तो आई डोंट थिंक इट्स वेरी डिफिकल्ट ये बहुत बेसिक सी चीज़ है ये मैं आपको बताना चाहता हूं नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ याक डोमेस्टिकेशन याक पता है आपको आपने कभी पहाड़ी एरियाज में भी घूमने गए होंगे वहां पे इस एनिमल को जरूर देखा होगा uh, कई बार इनके साथ फोटो खिंचवाई जाती है कई बार इनको वहां पे जो लोकल लाइट्स है वो इसका जो मिल्क है उसको भी कंज्यूम करते हैं तो इनका मीट भी कंज्यूम होता है अब तो एफ uh, जो है उन्होंने इसको भी अलाउ कर दिया था एनी एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुई है ओल्डेस्ट रिकॉर्ड ऑफ ह्यूमन डोमेस्टिकेशन ऑफ द याक कहाँ पे मिला है बांगा जो कि सेटलमेंट है कहां पे तिब्बत जो कि चाइना के में तो बांगा जो एरिया है दैट इज बेस्ड या दैट इज लोकेटेड इन तिब्बत पहले तो आपको ये पता होना चाहिए और यहां पर इसकी मतलब याक की जो डोमेस्टिकेशन हुई है उसके बहुत पुराने एविडेंस मिले हैं पुराने अवशेष मिले हैं विच अगेन बिकम्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट तो ये यूएस की यूनिवर्सिटी वाशिंगटन यूनिवर्सिटी उन्होंने यहाँ पे रिसर्च की थी और उन्होंने बोला है कि सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि डोमेस्टिकेशन ऑफ याक्स नहीं बल्कि टॉरिन कैटल अराउंड ट्वेंटी फाइव हंड्रेड ईयर्स हो ये बहुत बड़ी बात है पच्चीस सौ मतलब ढाई हजार साल पहले की बात है जो कि हम लोग देख रहे हैं विच एक्चुअली इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट और यहाँ पे और भी इन्होंने काफ़ी डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स पे रिसर्च की है बट आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यह ध्यान रखना है कि ओल्डेस्ट एविडेंसिस ऑफ यार्ग डोमेस्टिकेशन हमें मिले हैं कहां पर मिले हैं तिब्बत में मिले हैं कौन सी जगह पे मिले मंगाई एक जगह है वहां पे मिले दैट्स इट दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड और मतलब बहुत बेसिक बेसिक से पॉइंट्स है जो मैं आपको बता रहा हूँ काफी हाइट पर है ये uh, 3500 से 4000 मीटर की हाइट है जो कि बहुत ज्यादा है जहां पर ये बेसिकली बेस्ड है आगे बढ़ते हैं नाउ वी टॉक अबाउट अ वेरी इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट जो

कि सबसे फास्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोर्ड का नाम क्या बाराकुडा किसके नाम पे मछली होती उसके नाम पर है ये। तो मैं, तो मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूं कि जो मैजेगॉन डॉग शिपयार्ड है उसके हेडक्वार्टर कहां है या फिर कह लो कि कहां पर बेस्ड है आज मंडे है तो मैं ज्यादा लोड नहीं डाल रहा आपके ऊपर सिंपल और सरल सवाल है ये मेजगन डॉक्स शिप बिल्डर्स जिन्होंने बहुत बेहतरीन शिप्स बनाए हैं इंडियन नेवी के लिए उसके हेडक्वार्टर्स कहां पर है वो कहां पर बेस्ड है मैं आपको ऑप्शंस uh, भी देता हूं कोलकाता वाइजैग मुंबई चेन्नई कोचीन ठीक है ये पांचों ऑप्शन में से एक सही है आई होप यू विल बी एबल टू आंसर दैट अब देखो बैराकोडा भी इन्होंने बनाई है हालांकि नो डाउट कि यहां पे नवॉल्ट और मेजगोन डॉक के साथ एमओयू जो हुआ उसके तहत बनी है बट स्टिल इट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट और इससे पता चलता है कि बाकी जो छोटे शिप बिल्डर्स हैं या बोट बिल्डर्स हैं वो बड़े शिप यार्ड के साथ कोलैबोरेट करके भी अच्छी चीज बना सकते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है फास्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है इंडिया में और कहां पर इसको इनोग्रेट किया गया अल्लाहूजा जो कि कहां पर केरला में है ठीक है इन केरला इट इज बेस्ड या इट इज लोकेटेड एज सिंपल तो एग्जाम में डायरेक्टली आपको आएगा कि बैराकुडा वॉज इन अ लॉट ऑफ न्यूज बैराकुडा क्या है तो बैराकुडा एक बोट है जो कि फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट है जो कि uh, केरला में हमने देखी मैजेगोन डॉक के साथ वॉल्ट ने uh, एक पार्टनरशिप की उसके तहत इसको बनाया है इसी आगे बढ़ते हैं और uh, एक चीज मैं आपको बस बता देना चाहता हूं इनकेस यू डोंट नो मैजेगोन डॉक हैज प्लान टू इंट्रोड्यूस द बैराकुडा नाउ नौ ऑफिशियली नोन एज सौर शक्ति एट एट मुंबई डॉक तो वहां पर भी ये इसको इंट्रोड्यूस करेंगे तो एक ही बात है ठीक है लेकिन आपको ये बैराकुडा नाम से इसका आइडिया होना जरूरी है नेक्स्ट हम लोग बात करना चाहते हैं इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट की सबसे पहले तो ये समझो इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट रिलीज ऑन करता है इट इज रिलीज बाय वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है वो लेकर आता है तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि कौन रिलीज कर रहा है इट हैज रिवील दैट डेवलपिंग कंट्रीज फेस्ड फाइनेंशियल चैलेंज इन ट्वेंटी पिछले साल वो कोविड के भी रेप्लीकेशन से जो बाद में फेस हो रहे थे ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आप एक चीज याद रखिएगा जो डेट है उसको सर्विस करने में बहुत ज्यादा पैसा लगा सर्विस करना मतलब क्या होता है मान लो मैंने एक करोड़ रुपए का डेट ले लिया तो एक करोड़ रुपए के डेट पे एक साल का मतलब बारह परसेंट के हिसाब से बारह लाख रुपए जो इंटरेस्ट है ब्याज है तो अगर मैं हर साल बारह लाख रुपए दे रहा हूं उस लोन के बदले तो वो मैं डेट को सर्विस कर रहा हूं मैं डेट को एक तरह से रीपे करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि मुझे इंटरेस्ट जो भी है उसके ऊपर वो तो देना ही है दिस इज हाउ इट वर्क तो मतलब कंपनी जो कंट्रीज है उन्होंने बहुत पैसा खर्च किया है क्योंकि उनको डेट जो लिए हुए थे जो कर्ज लिए हुए थे उनको उसको रीपे करना था दैट्स एक्चुअली अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग तो यही कुछ कुछ चीजें हैं और यहां पे इंपॉर्टेंट डेटा ये है कि इट्स फाइव परसेंट इंक्रीज अक्रॉस ऑल डेवलपिंग कंट्रीज एज कंपेयर टू ट्वेंटी ट्वेंटी वन तो 2022 में डेट सर्विसिंग पेमेंट्स जो है वो पाँच प्रतिशत तक बढ़ गई ये बहुत बड़ा नंबर है मैं बताना चाहूंगा फाइव परसेंट इसलिए बड़ा नंबर है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द बिलियंस एंड बिलियंस ऑफ मनी बिलियंस एंड बिलियस ऑफ डॉलर्स सो दैट्स वाई फाइव परसेंट इंक्रीज इज एक्चुअली अ बिग इंक्रीज और ये देखना होगा कि और आगे कितना इंक्रीज करता है बस इतना ध्यान रखेगा इसी चीज पर फोकस है इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट का यही क्वेश्चन आता अगर आएगा तो आगे बढ़ते हैं ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट नेचर एंड क्लाइमेट तो जैसे है कोलंबिया है फ्रांस है यहां के जो लीडर्स है अनवील्ड ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट नेचर एंड क्लाइमेट कब की बात है और ये कब हुआ है सीओपी ट्वेंटी एट के अंदर तो आपको यह कंट्रीज इंपॉर्टेंट है केनिया कोलंबिया एंड फ्रांस दे वन वील्ड ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट नेचर एंड क्लाइमेट अब इसके बारे में जानते हैं कि इसका फोकस एरिया क्या है कि भाई ये आया तो है लेकिन क्या फोकस है फोकस यही है टू कंडक्ट इंडिपेंडेंट असेसमेंट ऑफ कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप बिटवीन सोवरन डेट एंड हाउ इट इम्पीड्स क्लाइमेट एम्बिशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो डेट जैसे सरकारें लेती हैं वो जो लोन सरकारें लेती हैं बेसिकली और कैसे क्लाइमेट इंडिशन से इम्पीड होते हैं मैं आपको बताता हूँ कैसे मान लो मैंने मैंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बॉन्ड्स खरीदे ठीक है तो या आपने खरीदे तो आप जब वो बॉन्ड खरीद रहे हो सरकार को पैसा दे रहे हो तो सरकार को आपको उसके ऊपर कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट देना होगा पर ईयर जैसे सात परसेंट है तो सरकार के लिए वो एक तरह से डेट है जो पैसा आपसे सरकार ने लिया है तो उसी प्रकार से मतलब ये सोवरन डेट की फॉर्म में हो जाता है पैसा तो मेरे कहने का मतलब ये कि आ, इट all ऑल अबाउट कॉम्प्लेक्स रिलेशनशिप वी सी बिटवीन the sovereign डेट एंड कैसे क्लाइमेट ambition जो है वो इम्पीड होता है मतलब क्लाइमेट एम्बिशन बहुत ज़्यादा हैम्पर हो जाता है उससे क्योंकि सरकार का सारा फोकस तो रिपेइंग ऑफ डेट में हो जाएगा ना सोवरेन डेट तो वो कैसे क्लाइमेट को क्लाइमेट चेंज को रोक पाएगी वो कैसे ग्लोबल वार्मिंग को रोक पाएगी वो कैसे ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ेगी ये सब बहुत बड़ा सवाल हो जाता है तो ये आप याद रखना कि ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू की हम जब भी बात करेंगे यहां पे सो so एक्चुअली में ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू जो है इट विल टेक द सेंटर स्टेज एज क्रूशल रिस्पॉन्स ताकि इस चीज़ के ऊपर हम लोग बात करें इस चीज को रिजोल्व करने की बात करें तो ये काफी अच्छा इनिशिएटिव है आगे बाकी देखेंगे क्या रिजल्ट होता है सवाल आपसे दो तरह के बनेंगे एक तो बनेगा ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू ऑन डेट नेचर एंड क्लाइमेट कहाँ पर आया तो सीओपी ओ ट्वेंटी एट में अनवील हुआ और केनिया कोलंबिया और फ्रांस ने अनवील किया इसको तो ये दैट्स इंपॉर्टेंट ठीक है जी तो आप ये बस याद रख रहे हैं वगैरह प्रॉपर करेगा न्यू एरोडोम लाइसेंस कहाँ मिल गया अयोध्या में अब आपको पता बताइए अयोध्या के रेलिवेंस ठीक है फैज़ाबाद हुआ करता था फिर उसका नाम अयोध्या कर दिया था ठीक है पहले ऑफिशियली जैसे रेलवे स्टेशन वगैरह भी हम देखते थे फैजाबाद हुआ करता था एंड देन इट्स वेरी मच इम्पॉर्टेंट एज ऑफ नाउ राम जन्मभूमि की हम जब बात करते हैं वहाँ पर टेम्पल कंस्ट्रक्शन की जो बात करते हैं उसके रिलेशन में भी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में रहा है और ये बस आप याद रखेगा आगे बस मैं ये बताना चाहूंगा यहाँ पे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो है उसकी बात हो रही है आपने एम बाइब डिफेंस जो है उसके टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन जरूर कर ले जीपीआई बहुत ज्यादा न्यूज में था ये क्या है ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहले तो आप ये अंदाजा लगा लो ठीक है वहां पे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन अब ये क्या है पहली बात तो जीपीआई में कितने हैं हैं मेंबर्स है, ये इंपॉर्टेंट है ठीक है और इन्होंने न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन की बात की न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन क्या है इट द नेसेसिटी ऑफ एड्रेसिंग रिस्क एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब कहते हैं ए आई को डिप्लॉय तो कर लोगे यूज कर लोगे उसके यूज केसेस आ जा जाएंगे उसको एप्लीकेशन में ले आओगे लेकिन फिर भी यहां पे बहुत सारे रिस्क एसोसिएटेड है बहुत सारे इश्यूज हैं जिनका आंसर देना बहुत ज्यादा जरूरी है जब भी हम लोग ए रिलेटेड इनोवेशन की बात करते हैं उसी की बात हो रही है तो ये द ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब बात होगी तो दिस एक्चुअली इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये ध्यान रखिएगा ठीक है तो इसमें कोई शक नहीं कि इकोनॉमिक बेनिफिट्स हैं लेकिन कंसर्न्स भी हैं उसी के रिलेटेड है ये तो अच्छी बात है वैसे भी इसके साथ आप ऐसे रिलेट करके देख लो कि यूरोपियन यूनियन जो है वो लेजिस्लेशन भी तो ला रहा है ना एक लॉ एक ला रही है दो में वो दो तक अप्लाई करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का पहला जो लॉ है जो कॉम्प्रिहेंसिव लॉ है जो कॉम्प्रिहेंसिव रूल है वो सारा यू में आ रहा है तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ठीक है चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं। नाउ यू गॉट टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि एआई डेवलप तो बहुत जल्दी हो रही है लेकिन उसकी कई दिक्कतें भी जिनको सही करना जरूरी है डब्ल्यू ने ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टी रिलीज किया तो यह सवाल जरूर आ सकता है कि, कि किसने रिलीज तो की है रोड सेफ्टी रिपोर्ट तो डब्ल्यू यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की है इट इज रिपोर्टेड फाइव परसेंट डिक्रीज इन एनुअल रोड ट्रैफिक डेथ्स जो कि अच्छी बात है 2010 से 2021 के बीच में एंड इंडिया एक्सपीरियस अंसर्निंग फिफ्टीन परसेंट इंक्रीज इन द फर्टिलिटी ड्यूरिंग द सेम पीरियड अब यह बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है अगर दुनिया में देखो तो फाइव परसेंट डिक्रीज हुआ है कहां पे वर्ल्ड में देश विदेश में लेकिन जब मैं इंडिया की बात करता हूं तो यहां पे क्या हमें दिखा है अनफॉर्चुनेटली फिफ्टीन परसेंट का इंक्रीज हुआ है तो ये मतलब एनॉमली है नंबर में ना इंटरनेशनल लेवल पे तो सही हो रहा है लेकिन इंडिया में क्या हो रहा है एक्सीडेंट्स में डेथ्स जो है बढ़ रही है पंद्रह परसेंट रफ्तार है दो हजार दस इक्कीस की तो ये आपको बस पता होना चाहिए रिपोर्ट किसने रिलीज की और क्या इसके हाईलाइट्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं तो ये पॉइंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया इंडिया हैज़ 15 परसेंट इंक्रीज़ इन द रोड ट्रैफिक फर्टिलिटीज़ 1.34 से लेकर मतलब 1.54 पॉइंट फाइव हो गई है सो दो हज़ार के मुकाबले बढ़ी है तो ये आपको पता होना चाहिए आई होप इट्स एब्सोल्युटली क्लियर हाँ जैसे बेलारूस डेनमार्क जापान वगैरह में तो काफ़ी कम हो गई है आगे बढ़ते हैं सो आई होप यू आर रेडी फॉर द टूडेज़ क्लास रिविजन मैजकोन डॉक वाला क्वेश्चन जरूर आंसर करिएगा हो सके तो यह भी बताने की वाईजैग में कौन सा शिप बिल्डर्स बैठे हुए या कौन सा शिप बिल्डर्स नैट वॉट टाइप ऑफ सेटलमेंट ईल डेड द ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी ऑफ लासा शंगरीला बांगा या फिर हालांकि तिब्बत में लासा भी है बट इट इजा विच इज एपोल राइट आंसर ढाई हजार साल पहले की ये बात है जो कि हमने बात की वे द सेरेमोनियल लॉन्च ऑफ बैराकूडा अब देखो इसने ये नहीं पूछा कि बैराकूडा क्या है इससे बोला बैराकूडा का लॉन्च कहां पे हुआ है हालांकि ये क्वेश्चन नहीं आता है बट वो अभी तो मैं रिविजन के लिए करवा रहा हूं तो अफकोर्स केरला में अल्लापुजा दैट इज द राइट आंसर बी गोना बी द राइट आंसर तो मैं बी को यहाँ पे टिक करता हूँ दिस इज एब्सोल्यूटली राइट आंसर आगे बढ़ते हैं वट इज द फोकस ऑफ द वर्ल्ड बैंक लेटेस्ट इंटरनेशनल डेट रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट है तो यहाँ पे हमने क्या बात की थी इंटरनेशनल डेट सर्विसिंग बाय डेवलपिंग कंट्री जो कि जैसे पाँच प्रतिशत तक बढ़ गई है ना तो ये एक बहुत कंसर्न है बड़ा तो मैं यहाँ पे ऐसे लिख के बता देता तो हूँ आपको इनकेस यू डोंट रिमेंबर फाइव परसेंट का इंक्रीज देखने को यहाँ पर हमें मिला है ऑफकोर्स दैट्स इंपॉर्टेंट विच कॉन्फ्रेंस होस्टेड द अनवीलिंग ऑफ ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू तो ग्लोबल एक्सपर्ट रिव्यू तो सी ओ में हमने देखा है अभी जस्ट हमने उसके बारे में बात की है अगेन दैट इज इम्पोर्टेंट सोवरेन डेट का और क्लाइमेट का आपने जो काम करना है वो कैसे उसके एक आपस में रिलेशन है ये बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन आ गया जी पी आई में कितने हैं आई थिंक मैंने अभी आपको बताया था एम्फेसाइज करके इट इज ट्वेंटी नाइन मेंबर्स उनतीस मेम्बर्स है हमारे पास तो ट्वेंटी नाइन पे ताला लगाते हैं दैट इज एप्सोल्यूटली द राइट आंसर अच्छा वट द अब यहाँ पे देखना बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबल ट्रेंड इन द एनवल रोड डेथ फ्रॉम ये अब इससे क्या पूछा है इससे पूछा है कि क्या है मतलब यहाँ पे ग्लोबल ट्रेंड इन द एनुअल ट्रैफिक टेट्स तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है तो आपको यहाँ पर एक खास चीज़ का ध्यान देना है कि जब भी ग्लोबल ट्रेंड की बात आती है और इंडिया के ट्रेंड की बात आती है तो अलग अलग है ग्लोबल अलग है इंडिया का अलग है ठीक है तो इसका आंसर जो है आप कमेंट करके बताएंगे मुझे वेरी इजी दिस इज So सो certainly let me know in the comment section so सो uh, I hope you have enjoyed the session very much. एक ठीक ठाक आपको आइडिया मिल गया है हर रोज़ ट्यून टू दिस चैनल एट सेवन ए एम ताकि आपको ये डेली करंटफेयर मिल पाए और पूरा दिन आपको रेलिवेंट जो सेशन्स से हैं वो मिलते रहते हैं सो आई डोंट थिंक आपको कोई भी दिक्कत इसमें होगी ऑल द वेरी बेस्ट आई hope होप यू एंजॉयड द सेशन जो मैंने क्वेश्चन पूछे जरूर रिप्लाई करिएगा उनका एंड टेक केयर हैवे अ नाइस डे जय हिंद